फैक्ट नंबर एक, जब क्रिकेट के मैदान में हो पाकिस्तानी टीम और पप्पूबाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल एक बार पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में चल रहे एक मुकाबले के दौरान मैच के छठे ओवर में शोएब अख्तर की दूसरी गेंद पर मार्क वॉन ने एक शॉट खेला, जिसे रोकने के लिए वहां मौजूद फील्डर शोएब मलिक उस गेंद का पीछा करने लगे। लेकिन अब हुआ कुछ यूं कि जब बाउंड्री के कुछ इंच पहले शोएब मलिक उस गेंद को रोक रहे थे, तब वो अपना बैलेंस खो बैठे और तेजी से उस गेंद को अंदर की तरफ यानी कि उल्टी तरफ धकेल दिया, जिससे वो गेंद इतनी दूर चली गई कि जनाब को फिर से उल्टी दौड़ लगानी पड़ गई। मतलब कि वो दौड़ते ही रहे लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई, और जब आई तब तक मार्क वो और रिकी पोंटिंग ने आराम से 5 रन दौड़कर बना लिए। इससे अच्छा तो ये होता कि शोएब मलिक उस गेंद को छोड़ देते तो 4 ही रन मिलते। नंबर दो, गाइस जब से T20 वर्ल्ड कप 2022 शुरू हुआ है तब से उलटफेर पे उलटफेर हुए जा रहे हैं। जहां पहले नामीबिया ने श्रीलंका को हराकर सबको चौंका दिया, वहीं स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को मात देकर सबका दिल जीत लिया। इन दोनों की जीत में एक खास बात कॉमन थी कि उन्होंने इन दोनों मजबूत टीमों को रन चेज नहीं करने दिए और 160-164 के एक छोटे से स्कोर को भी डिफेंड करके दोनों ने ही 40 रनों से भी ज्यादा की जीत हासिल कर ली, जिसमें भी वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम थी जो T20 वर्ल्ड कप का खिताब हासिल कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका जो कुछ वक्त पहले ही एशिया कप जीत कर आई है। वैसे गाइज आगे इस टूर्नामेंट में और कितने उलटफेर होंगे